अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मेरे व्यूवर्स ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, ये जो मुर्गी है हमारी, ये कुड़क हो चुकी है, इसने सेवा मांग ली है। तो इसको अब हम ना सेवे बैठाने लगे हैं। तो व्यूवर्स, इसको अब ना बैठाने लगे हैं हम, ठीक है। तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ये देखें मुर्गी माशाल्लाह कितनी प्यारी है, पर दिखाते हैं इसके आपको। ये देखें, तो ये देखिए व्यूवर्स, ये इसके हमने अंडे जो जमा किए थे, तो इसके ऊपर हम इसको बिठाएंगे अब, क्योंकि ये कुड़क हो चुकी है अब। तो इसकी भी अब डे वाइज डे वीडियो आपके साथ आती रहेगी, और जब इसके बच्चे इसने अंडों में से निकालने हैं तो वो भी वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी। और जैसे जैसे बच्चे इसके अंडों में से बाहर आएंगे, वो भी वीडियो आपके साथ एज इट ही शेयर करेंगे। और इसको आपको अब दिखाते हैं हम, सेवे बैठाने का तरीका बताते हैं आपको कि मुर्गी को कैसे सेवे बैठाते हैं। ये देखिए, अब आपको आवाज़ आ रही होगी मुर्गी को, जब जब आपकी मुर्गी ऐसी आवाज़ निकालेगी तो समझ जाएं आपके वो कुड़क हो चुकी है। तो ये देखिए व्यूवर, सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह का कोई भी बॉक्स वगैरह लेके उसके अंदर तुड़ी भर देनी है, या कोई आप चावलों की फक भी इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर आपने जो अंडे हैं वो ले लेने हैं, उनके अंडों के ऊपर आपने निशान वगैरह लगा लेने हैं, ठीक है। ये देखें, ये अंडे ऐसे रख लेने हैं आपने, जैसे मैं इसके अंदर रख रहा हूँ। बाद में जो सेट वगैरह करने हैं व्यूअर्स, वो खुद ही मुर्गी ने खुद ही कर लेने हैं। तो ये एक दफ़ा मैं आपके साथ जो रख रहा हूँ, ऐसे आप लोगों ने एक दफ़ा नीचे रख देने हैं इसके। तो सील मुर्गी जो सी है व्यूअर्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सी 11-12 अंडे देती है, उसके बाद वो कुड़क हो जाती है। तो आप लोगों ने भी अंडे जो से हैं इसके जमा कर लेने हैं, जैसे जैसे मुर्गी देगी तो उसके बाद आप लोगों ने इसको सेवे बैठा देना है। ये देखिए व्यूवर्स, ये इसके हमने जमा कर लिए थे। एक जो दो तीन अंडे जो उनसे ना इसमें व्यूवर्स, वो दूसरी मुर्गी के हैं, लेकिन अभी उसने स्टार्ट किए हैं, उसने वो नहीं मांगा, ठीक है। तो ये देखें, खुद ही मुर्गी जो सी है वो उसके ऊपर अंडों के ऊपर बैठने के लिए अंदर आ गई है। और ये देखिए, अब इसने अपने जो पर है ना वो व्यूवर्स खिला लिए हैं, और इसका पूरा मतलब जो है ना, इसने सेवा मांग रही है। और देखिए, अब ये जो अंडे है अपने नीचे खुद ही कर रही है, ये देखें। ये देखें व्यूअर्स, इसने ऐसा ऐसा खुद ही अपने नीचे जितने भी इसके अंडे हैं ना, इसने उनकी कोई ना कोई हिसाब किताब लगा के अपने नीचे कर लेगी। जो इसके अंडे थोड़े पीछे चले गए हैं, वो उसको भी इसने खुद ही नीचे कर लेना है। ये देखें व्यूअर्स, थोड़ी सी मैंने इसकी हेल्प की है मुर्गी की, जो इसके अंडे इसके नीचे मैंने कर दिए हैं, क्योंकि इससे हो नहीं रहे थे। तो ये देखें, अब इसको ना मुकम्मल जो है सेवे में बैठा दिया है हमने। तो ये देखिए, इसने सारे अपने जो पर हैं वो फुला लिए हैं। तो जैसे ही मुर्गी कोई भी जो सी है ना व्यूवर्स, जब सेवा मांगती है या कुड़क होती है, तो अपने पर उसके अगर पास हाथ ऐसे करें हम, तो वो ऐसी आवाजें भी निकालती है, ठीक है। और ये देखें, ये ऐसे पर फुला लेती है अपने, ये देखें। तो कुछ लोग पूछते होते हैं कि भाई कैसे पता लगेगा कि मुर्गी कुड़क हुई है कि नहीं हुई। तो आप लोगों ने इस चीज को देख लेना है, और जब आपको नहीं पता लग रहा होता कि मुर्गी कुड़क हुई है कि नहीं हुई, तो आप लोगों ने करना ये है व्यूवर्स के उनके नीचे अंडे रख देने। तो उसके बाद देखना है आपने उसको, ऊपर से उसका जो भी आपने ऊपर रखा होगा चीज़ वगैरह, वो हटा देनी है, खुला उसको बिल्कुल उसके ऊपर बैठा देना है। तो अगर वो अंडों के ऊपर से उतर के नीचे आ गई और खाना पीना स्टार्ट कर दिया उसने, तो समझ लेंगे वो कुड़क नहीं हुई। तो अगर आपने अंडे किसी बॉक्स में रखे हैं, तो मुर्गी खुद ही जाके बैठ जाएगी, तो फिर समझ जाएंगे जो आपकी मुर्गी है वो उसने सेवा मांग ली है, कुड़क हो चुकी है वो, ठीक है। ये देखिए, जैसा कि इसके पास भी मैंने खाने वाली चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन ये बाहर नहीं निकली, तो इसने अंदर ये चीज़ें खा ली हैं, बाहर निकल के नहीं खाई है। तो ऐसे ही आप लोगों ने भी, अगर आपको पता नहीं लग रहा, तो आप लोगों ने सेम ऐसे ही करना है। तो बाकी जो सी इस व्यूवर्स वीडियो का जो पार्ट होगा ना, वो कल मैं बना के, क्योंकि फर्स्ट डे होगा, बना के इस वीडियो के साथ अटैच करके लगाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ट्यून रहना है मेरे साथ।
तो ये देखें व्यूवर्स, ये आज इसको एक दिन पूरा हो चुका है इधर बैठे हुए अंडों पर। तो ये जो हमने रात को इसको दाने रखे थे इस बर्तन में, वो भी इसने गिरा लिए। शायद खाने में कोई इसको लग गया हो। बाकी ऊपर से ये पूरी डांपी हुई थी मैंने, क्योंकि इसको सर्दी वगैरह लगे, नीचे से तूड़ी वगैरह तो रखी है लेकिन फिर भी सर्दी है तो एहतियात करनी पड़ती है। माशाल्लाह देखें व्यूवर्स इसकी आँख, आँख देखिए आप। पानी इसके मैंने रख दिया, अब ये पानी पिएगी। इसके बाद जो इसको खाना है इसका वो दिया जाएगा, क्योंकि इसने बाहर तो अब निकलना नहीं है। पानी व्यूवर्स आप लोगों ने इसको गर्म करके देना है, क्योंकि गर्म पानी जो उनसे है वो इसको ठंड नहीं लगने देगा, बल्कि उससे ये सही रहेगी। क्योंकि ठंडे पानी से इनको सर्दी लग सकती है, तो आप लोगों ने ठंडा पानी नहीं रखना इनको। और जो दाने वगैरह या जो भी है वो आप लोगों ने इसको देना है साथ। और इसके साथ व्यूवर्स आप लोगों ने सेवी वाली मुर्गी को लहसुन और जो अदरक है या प्याज वो लाजमी देना है एंटीबायोटिक के तौर पर, ताकि ये जो मुर्गी है ना वो बची रहे, उसको कोई एंटीबायोटिक जो सी है हेल्प मिलती रहे, उससे कोई जरासीम वगैरह इसको ना लगे। क्योंकि इधर मुर्गी को जरासीम तो कोई वायरस वगैरह तो कोई नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये होता है कि कोई एंटीबायोटिक देंगे इसके साथ हम, तो इससे इसको सेहत मिलेगी और ये तंदुरुस्त रहेगी। अब मैं व्यूअर्स इसके आगे से जो इसका पानी है वो उठा लूँगा, और जो इसके दाना और लहसुन और प्याज जो उनसे है उसको काट के छोटे छोटे हिस्सों में ये देखे मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो ये अब मैं इसके सामने रखूँगा तो ये खाएगी। दाने रखे हैं और साथ मैंने लहसुन और अदरक जो उनसे है वो प्याज वो मैंने इसके आगे रख दिए। तो व्यूअर्स आप लोगों को होप सो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब जैसे जैसे हमारी मुर्गी अंडों में से बच्चे निकालेगी तो हम आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे, और आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।